गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कैट चैनल्स। तो आज आपको मैं बताएंगे हम हाइड्रोजन एटम के बारे में, हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और आपको देखिएगा कि हाइड्रोजन से आपका बहुत सारे सवाल बनने वाला है। अगर कहीं भी पूछा जाए, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो या जनरल कॉम्पिटिशन हो या कहीं भी आप बैठते हो एग्ज़ाम में, तो इससे जो भी संभावित प्रश्न होती है उसको हम इंक्लूड करके चलेंगे और ये आपका काम आने वाला सेशन चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले हाइड्रोजन क्या है। हमारा फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का ये पहला एलिमेंट है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स। अब हाइड्रोजन का प्लेसमेंट कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप वन में हाइड्रोजन प्लेस है। हाइड्रोजन का प्लेसमेंट कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में? आपका ग्रुप वन के साथ ये एलिमेंट बैठे हुए हैं। तो ग्रुप वन में आप जानते हैं जैसा कि कौन सा एलिमेंट है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है, जिसको हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो स्थान है, पोजीशंस है, अल्कली मेटल के साथ रखा गया है। ठीक है, जिसमें कि आपका इस ग्रुप जो है वन है और इसका ब्लॉक जो है, हाइड्रोजन किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, उसमें है एस ब्लॉक एलिमेंट में इंक्लूड किया गया है इसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के पास क्या है कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन के पास क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन्स है, और इसकी मास नंबर वन है। तीनों चीज़ बराबर है, मास नंबर वन, इलेक्ट्रॉन वन, प्रोटॉन वन। इसलिए कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, जीरो होती है। मतलब न्यूट्रॉन, अगर हम आप जानते हो किस तरह से निकालते हैं न्यूट्रॉन, मतलब कि एटॉमिक मास, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर, उसी को बोलते हैं हम न्यूट्रॉन की संख्या। तो दोनों में अगर वन माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, जीरो न्यूट्रॉन आएगा। तो ये भी कह सकते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा मेंबर भी बैठा हुआ है जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या जीरो है। अब बात आती है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका 1s1 है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, मीन्स आपका इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वन है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वन है। इसमें कितने सेल यूज होते हैं, इसमें आप जानते हैं कितने सेल यूज होते हैं, एक सेल यूज होता है। ठीक है, एक ऑर्बिट इसमें यूज होते हैं। इसलिए अगर इसमें एक ऑर्बिट लग रहा है, एक सेल लग रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ क्लियर हो गई, फर्स्ट ग्रुप में है, फर्स्ट पीरियड में है, आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, जिसको कि एस ब्लॉक मतलब बोला जाता है अल्कली मेटल्स ग्रुप बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, एस में है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें किसमें गए, एस सबसेल में, इसलिए क्या है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब बात आती है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करता है इन डायटोमिक फॉर्म होता है। ऑलवेज क्या होता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट रहे, मतलब कि इस फॉर्म में रहना चाहता है, मतलब कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन रहना चाहता है। जैसे कि H2 के फॉर्म में हो गया, H2O के फॉर्म में हो गया, मतलब कि इसलिए कि H जो हमारे जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का साइज इतना छोटा होता है, हाइड्रोजन एटम का साइज इतना छोटा होता है कि ये अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है। ये चाहता है कि हमको किसी के साथ हम कंबाइन कर जाए। इसकी साइज होती है, इसके आयंस की जो साइज होती है 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर के बराबर, बहुत ऑलमोस्ट छोटा साइज होता है इसके आयंस के भी। और जनरली क्या होता है कि और भी एलिमेंट के कैटायन या फिर एटम के फॉर्म में जो साइज आते हैं 50 से 200 पिकोमीटर के बीच में होता है। तो ये तो उसके कंपेरिजन में बहुत छोटा हो गया, इसलिए इसका एक यूनिक कैरेक्टर है कि ये अलग रहना नहीं चाहता, ये कंबाइंड स्टेट में रहना चाहता है हाइड्रोजन में, मतलब एच प्लस इसके कैटायंस जो बनेंगे, मतलब हालांकि ये दो प्रकार के कैटायन बनाते हैं। इसके पास कहता है इट हैज टेंडेंसी, हाइड्रोजन के पास दोनों टेंडेंसी है, इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेप्ट करना ही चाहता है इलेक्ट्रॉन को। इसलिए एक्सेप्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन को कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आता है तो क्या होता है कि इसके ड्यूप्लेट उड़ जाते हैं, ये अस्थायी हो जाते हैं। इसलिए ये चाहता है, ये ताक पे रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ये थोड़ा मस्त हो जाएगा हाइड्रोजन अपने आप में, मतलब कि इनर्जेटिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि स्टेबल हो जाएगा, ये कह सकते हैं अस्टेबल हो जाएगा। तो देखिए कि हाइड्रोजन जो है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है
तो क्या बनाता है? H माइनस, जिसको बोलते हैं हाइड्राइड। और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बनाता है H प्लस, मीन्स कैटाइन बनाता है। तो ये जो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है? हाइड्राइड बना रहा है और पहुँच जा रहा है किसमें? स्टेबल कन्फिग्रेशन में पहुँच जा रहा है, स्टेबल कन्फिग्रेशन। उसी तरह जस्ट लाइक हेलोजन, हेलोजन जैसे एटम है हमारा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इसके वैलेंस सेल में लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन रेडली एक्सेप्ट करके तुरंत क्या करता है? नॉर्मल गैस कन्फिग्रेशन में तब्दील हो जाता है, समझ रहे हैं? जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन, तो एक नॉर्मल गैस कन्फिग्रेशन बनाया, जैसा कि हीलियम का कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लिया ना आपका हाइड्रोजन। उसी तरह से मान लें कि अगर ये आपका हेलोजन मान लीजिए सपोज फ्लोरीन है या फिर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो तुरंत किसका कन्फिग्रेशन ले आएगा? नियोन का ले आएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हाइड्रोजन और हेलोजन फैमिली एक दूसरे से थोड़ा सा मतलब दोनों एक समान बिहेवियर शो करता है, ठीक। लेकिन फिर भी इसका प्लेसमेंट अभी क्या है, हेलोजन से इसको अलग करके रखा गया है। लेकिन हो सकता है एट पास्ट हो सकता है हाइड्रोजन को एक नया स्थान मिले, नया जगह मिले, लेकिन अभी क्या है, अल्कली मेटल के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है, कुछ प्रॉपर्टी या फिर दो चार प्रॉपर्टी क्या है, हेलोजन फैमिली से इसका मिलता जुलता है। इसको भी हो सकता है आने वाला समय फिर पीरियोडिक टेबल में एक थोड़ा अलग स्थान मिल जाए, हो सकता है ऐसा पास्ट में ऐसा हो सकता है, इसलिए कि अभी भी इसका कोई फिक्स अच्छा स्थान नहीं मिला हुआ। लेकिन हाँ, इतना इस जगह पर ये बैठा हुआ है कि हमारे पीरियोडिक टेबल जो भी जो मोज़ली का पीरियोडिक टेबल है जो अच्छी तरह से मॉडिफाइड है, उससे वो मतलब कि उससे सारा चीज़ कवर हो जाता है। इसलिए कुछ त्रुटियाँ हैं पीरियोडिक टेबल में या कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छाइयाँ हैं तो हम उसको एक्सेप्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या है ये समझ, इसके मतलब इससे पता ये चला कि ये दो प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकते हैं, एक तो प्लस के स्टेट में और एक माइनस के स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाइड्रोजन का पूछा जाए, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए, तो क्या है कि कह सकते हैं प्लस वन, प्लस का भी वन है, माइनस का वन भी। प्लस का वन कब होता है? जब ये किसी नॉन मेटल के साथ बैठा हुआ रहता है। माइनस का वन कब होता है? जब ये किसी मेटल के साथ रहता है, जैसे मेटल हाइड्राइड में क्या है, हाइड्रोजन का आपका माइनस वन। जैसे वाटर में क्या है, हाइड्रोजन का प्लस वन। अमोनिया में हाइड्रोजन का क्या है, प्लस वन। तो इस तरह से ये आपका प्लस वन और माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट से करता है। और देखिए ये जो एग्जिस्ट करता है H2 फॉर्म में इसलिए एग्जिस्ट करता है कि H2 बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन किस तरह से, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, हमेशा कहीं भी देखिए कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, ठीक। ऑलवेज क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। और जब भी ध्यान देंगे कार्बन का कहीं भी लंबा चेन आएगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, ऐसा जगह पे रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ वो एक बॉन्ड ही बना सके। तो हाइड्रोजन एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ भी रहेगा ये सिंगल कोवेलेंट बना लेगा, अपने आप में बड़ा मस्त रहेगा, कोई टेंशन नहीं होता है इसको, ठीक है। इट एग्जिस्ट, अब तो समझ गए कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली जैसे कि फ्लोरिन एग्जिस्ट करता है, क्लोरिन एग्जिस्ट करता है, ब्रोमिन एग्जिस्ट करता है, हेलोजन भी डायटोमिक बनाता है, ये भी बोले तो बस काफ़ी सिमिलरिटीज है दोनों में। अब बात आते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है हाइड्रोजन का, आयनाइजेशन एनर्जी समझ रहे हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मेस्ट ऑर्बिट ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है ना, कैटायन का फॉर्मेशन होता है। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या बनता है, कैटायन बनता है, मीन्स कैसा कैटायन बनता है, गैसियस कैटायन बनता है, गैसियस कैटायन का फॉर्मेशन होता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी में। तो कहता है इसका क्या है, पर मोल 1320 किलो जूल पर मोल, 1320 किलो जूल पर मोल हाइड्रोजन एटम का, समझ। और हेलोजन फैमिली का भी कुछ इस तरह से आसपास है, 16 किलो जूल पर, उसका थोड़ा हाईएस्ट होता है आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि उसका टेंडेंसी क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होता है, रिलीज करने का टेंडेंसी नहीं होता है उसमें, क्या बोलते हैं हेलोजन फैमिली में। तो ये बात आपको एक सारी कहानी समझ में आ रही है हाइड्रोजन के बारे में। अब हाइड्रोजन को हम जानते हैं क्या लिखा, वाटर फॉर्मर के नाम से जानते हैं, बड़ा ही अच्छा। हाइड्रोजन को आप वाटर फॉर्मर नहीं बुला सकते हो, प्यार से पुकारो नाम, वाटर फॉर्मर है। वाटर फॉर्मर का मतलब है कि जब भी ये वाटर फॉर्मर का मतलब कि हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस मतलब जलने वाला ये पदार्थ है। तो ये कब जलेगा, जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा ऑक्सीजन का, तब जलेगा।
जब ये जलेगा तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, अभी तो ये गैस था, अभी तो ये गैसियस फॉर्म में था, जैसे इसको आप ऑक्सीजन सपोर्ट किया तो वाटर बन गया। तो वाटर क्या है, लिक्विड है। वाटर क्या है, लिक्विड है। तो इसके मतलब है जब भी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, वो गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वाटर बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर सब, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वाटर फॉर्मर भी बोलते हैं। अब कहता है जो हाइड्रोजन है अपने तीन आइसोटोप को छुपा के रखे हुए हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप है। पहला आइसोटोप है क्या, आप कह सकते हैं प्रोटियम। फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन क्या है, प्रोटियम। प्रोटियम का मतलब है कि जिसकी कि एटॉमिक नंबर वन है, मास नंबर वही वन है। उसके बाद है ड्यूटेरियम, जिसकी एटॉमिक नंबर वन है, मास नंबर टू है। एक लास्ट है ट्रिटियम, एटॉमिक नंबर वन और मास नंबर थ्री। ट्रिटियम क्या है, ये ऐसा आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव है। कैसा है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है तो इसकी कुछ हाफ लाइफ भी होती है, 12.33 ईयर्स इसकी हाफ लाइफ होती है ट्रिटियम का। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इसके पास तीन आइसोटोप, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप तो आइसोटोप में क्या है कि पहला आइसोटोप क्या है, पहला आइसोटोप एटॉमिक नंबर वन, मास नंबर वन। दूसरा आइसोटोप, तीसरा आइसोटोप, हाइड्रोजन प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इट इज द ओनली द आइसोटोप। कैसा आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव है, जिसकी हाफ लाइफ, जिसकी अगर हाफ लाइफ करते हैं इसका ट्रिटियम का, तो 12.33 ईयर्स इसकी हाफ लाइफ होती है। यहाँ तक आइसोटोप के बारे में। हाइड्रोजन का आइसोटोप भी होता है, ये समझ में गए। अब हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आप कह सकते हो यहाँ पे क्या बना रहा है, H+ बना रहा है। H+ अब H+ जो बनाता है, यूनिपॉजिटिव कैटायन बना रहा है। यूनिपॉजिटिव एनायन भी बनाता है। यूनिपॉजिटिव कैटायन को एक और प्यारा सा शब्द बोला गया, प्यारा सा नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है क्या, प्रोटोन। किसका नाम दिया है, प्रोटोन। तो प्रोटोन नाम दिया गया है क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत बार आप पढ़ोगे कि H+ को हम प्रोटोन क्यों बुलाते हैं, आगे ही पढ़ोगे प्रोटोन एक्सेप्टर आर बेसिक इन नेचर, प्रोटोन डोनर आर एसिडिक इन नेचर, ये सब कहानी आएगी। तो वहाँ पर प्रोटोन क्या है ना, वहाँ पर प्रोटोन H+ को बोलते हैं। H+ को प्रोटोन इसलिए बोला जाता है, H+ को प्रोटोन हम इसलिए बुलाते हैं कि H+ के पास इलेक्ट्रॉन एक है और इलेक्ट्रॉन जीरो है, न्यूट्रॉन जीरो है और प्रोटोन एक ठो है। तो H+ के पास कोई पूछे तो क्या है, न्यूट्रॉन जीरो, इलेक्ट्रॉन जीरो, प्रोटोन एक ठो है। इसके मतलब है कि H+ के पास है तो है सिर्फ क्या, तब बोलिएगा प्रोटोन। तो हम उसको क्यों नहीं प्रोटोन बुलाएं, H+ को क्या बुलाएंगे, प्रोटोन बुलाएंगे। यही बात क्लियर हो गई, समझ रहे हैं। अब देखिए ध्यान देंगे कि जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो गैसियस फॉर्म में होता है ना, हमारे यूनिवर्स का जो है 70% ऑफ मास ऑफ यूनिवर्स, 70% मास ऑफ यूनिवर्स जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है। मतलब कह सकते हैं यूनिवर्स में जो है ना, ये ब्रह्मांड में मतलब कि जो मास है हाइड्रोजन का 70% है, बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन का। कारण है, इसलिए है कि जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ है, सुपरनोवा हुआ है, तो क्या हुआ कि हमको बहुत सारे हाइड्रोजन मिला। एलिमेंट का डिस्कवर कैसे हुआ था, छोटे छोटे एलिमेंट यहीं से आया था, सुपरनोवा से आया था, एक्सप्लोजन से आया था, बिग बैंग से आया था। तो उसमें देखा गया कि मैक्सिमम क्या है, कौन सा गैस इसमें है, हाइड्रोजन है। जैसे सन के प्लाज्मा स्टेट में देखिए आप जाके, बहुत सारे प्लेनेट क्या है उसमें, हाइड्रोजन है। मतलब हर जगह क्या है ना, सोलर सिस्टम में, सोलर के एटमॉस्फेयर में क्या है, मैक्सिमम हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन क्या है कि अगर मान लें यहाँ पे हम यूनिवर्स है, इसी यूनिवर्स जो बना हुआ है उस अगर एक्सप्लोर हो जाए तो मैक्सिमम एलिमेंट जो निकलने वाला है, मैक्सिमम गैसियस फॉर्म में जो एलिमेंट निकलेगा या फिर एटॉमिक फॉर्म में निकले, वो कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। वो कौन होगा, ज़्यादातर हाइड्रोजन होगा। हीलियम भी है, छोटे छोटे एलिमेंट का शुरू में जो डिस्कवर का है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, उसमें नाइट्रोजन है, ये सब क्या डिस्कवरी क्या हुआ था, बिग बैंग एक्सप्लोजन से हुआ था। ये बात तो क्लियर समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट समझ के, तो ये सब जो कॉमन जानकारी थी आपको हाइड्रोजन के बारे में आपको मिला है। यहाँ तक समझ गए कि ये इतनी बात आपको जानना चाहिए, अगर आप मान लें केमिस्ट्री 11th का भी हाइड्रोजन चैप्टर उठा के पढ़ते हो, तो अगर जिस बच्चे को इतनी बातें याद है, जिस स्टूडेंट को इतनी बातें याद है, तो वो तो माइक कुछ कहीं बोलने बोल दे कि हाइड्रोजन के बारे में कुछ बोलिए, तो वो बच्चा बोल सकता है कि हाइड्रोजन ये चीज़ है। और उसका मतलब कि इतना नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। अब ये बताइए कि इतना जानने के बाद क्या हमारा कोई भी एग्ज़ाम का दो क्वेश्चन ना बने, जरूर बनेगा।
याद रखिए, किसी को इतना नॉलेज है उसका बेकार नहीं जाने वाला है। तो चैनल पे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।